नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भदोही काशी प्रयाग के मध्य भूत भवन बाबा सेमराधनाथ की नगरी से सटे राजमार्ग के सराय जगदीश फकीरन में डीएम राजन प्रसाद ने कंवारी शिविर का शुभारंभ किया। एमएसए कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर और प्रमुख उद्योगपति निखिलेश कुमार मिश्र ने धर्म वीरता और सराहनीय सेवा कार्य की सराहना डीएम ने खुले मन से की। कहा कि इनका यह पुनीत कार्य महान कार्य है, जितनी सराहना हो कम है। दूसरी तरफ सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर एस के पांडे ने घिराए परिवार के रत्न निखिलेश कुमार मिश्र की सराहना करते हुए कौशाम्बी में अपने सेवा कार्य के दौरान के सराहनीय प्रसंग का वर्णन किया। इस दौरान सैकड़ों गांव की जमा तमाम हस्तियों के बीच संत केशव कृपाल महाराज की उन्मुक्त और ओजस्वी अश्वन की वाणी से इस आयोजन का सही अभिप्राय लोगों को बीच आया। सन ने उद्योगपति को धर्मवीर बताया। इस दौरान घिरया परिवार में तमाम सदस्यों में डॉक्टर अभय कुमार मिश्र और उमेश मिश्र, विनोद मिश्र समेत श्यामधर मिश्र, मिर्जापुरी शशि चंद्र मिश्र, नगिन पांडे, रवि शंकर पांडे, राहुल दुबे, कृष्णचंद दुबे, जयशंकर दुबे, छांगुर मिश्र, राजेश पांडे, बेचन पांडे समेत तमाम ग्राम प्रधान व और गणमान्य ग्रामीणों की मौजूदगी में डीएम ने महादेव और अधिशक्ति का पूजन कर फीता काटा। इसके बाद उद्योगपति निखिलेश कुमार मिश्र ने गिया परिवार के बारे में चर्चा दौरान पंडित शिवशंकर मिश्र धर्मवीर और पंडित सत्यनारायण मिश्र सेठ की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कही। पूर्व आईएएस डॉक्टर एस के पांडे ने निखिलेश मिश्र की धमवीता को सराहा। काफी तादाद में कांवरियों सेवक गणमान्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। जो जोड़ती है, जो तीर्थाटन है, धार्मिक स्थल है, और शिव जी का तक में कोई जोड़ नहीं। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ से रामेश्वरम, कामरूप वहां भी शिवलिंग है, सोमनाथ, तो बोले ना तो पूरा जोड़ते हैं। और ये तो ऐसे हैं कि सभी के लिए हैं, यही ऐसे हैं जिनकी देवता पूजा करता है, दैनिक पूजा करता है, महादानी दान करने वाले सब तो उनके। देखिए, हमारे परिवार की परंपरा है और आज से नहीं, लगभग 60-70 सालों से हमारे परिवार समाज के लिए कार्य करता रहा है। और ये जो है पिछले 10 सालों से ये शिविर लग रहा है। वहाँ से इलाहाबाद के बीच में की दूरी 125 किलोमीटर लगभग है और पैदल भगवान शिव का भक्त, जो भगवान के रूप में होता, भक्त भगवान से बड़ा होता है, इस रोड में नंगे पांव चलता है। और उनकी सारी व्यवस्थाएं हमारे ख्याल से इस बीच में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे इस शिविर में सारी व्यवस्थाएँ, आपको खाना फ्री, नाश्ता सुबह, गर्म पानी, फर्स्ट एड की सारी दवाइयाँ, एक डॉक्टर लगभग 15-16 घंटा रहता है और पानी 24 घंटा नहाने धोने का, ये सब चीज़ का व्यवस्था, खाना और नाश्ता नॉर्मल चलता रहता है। इससे क्या है कि भगवान की सेवा होती है और उससे इससे बड़ा पुण्य काम और कुछ हो नहीं सकता। हमारे परम गुरुदेव डॉक्टर विष्णु कुमार पांडे के सानिध्य में मैं 10 क्लास से ही उनके सानिध्य में रहा हूँ। वो बड़ा धर्मपरायण है, उन्होंने धर्म के विषय में और ये सब चीज़ करने के लिए हमको हमेशा प्रेरणा दी और उन्हीं के प्रेरणा से ये कार्य चल रहा है। इस द्वारा पूरे सावन महीने चलने वाले कार्यक्रम जो कांवरियों की सेवा के संबंध में है, कांवरियों के खाने नाश्ता विश्राम के संबंध में है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी जी ने किया। यह कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से श्री निखिलेश कुमार मिश्र जी करा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा गिहा परिवार की एक विशेषता है कि ये लोग धर्म के प्रति सदैव अनुराग रखते रहे हैं और सात्विक प्रवृत्ति के हैं। कांवरियों की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है और इस युग में, कलयुग में कहा गया है कि दान मेकौ कलौ युगे, कलयुग में दान से बढ़कर, सेवा से बढ़कर के और कोई कार्य नहीं हो सकता। और भगवान ने इनको वैभव दी है, संपदा दी है, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकार की बुद्धि दी है कि वो परमार्थ में उसका उपयोग हो सके, लोगों की सेवा में उपयोग हो सके। और धन के साथ दान की शक्ति देना, दान का मन देना, दान की इच्छा देना, ये बहुत बड़ा तप का फल होता है। यह अच्छा कार्य है, इस कार्य के, अच्छे कार्य के हम सब लोग आज साक्षी बने हैं। और मैं ये मानता हूँ कि
इससे बड़ा पुनीत का कार्य श्रावण महीने में और कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद।